हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सेकेंड T20 मैच होने वाला है, ये किस तरीके से हो सकता है और कैसा जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और यहाँ पर जो है आपको इस मैच से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दे देने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफाइल उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है, ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो होगा सेकेंड T20 मैच होगा। टोटल जो है आपको पता होगा कि 3 T20 मैचेज जो है वो होने वाले हैं, जिसमें से एक T20 मैचेज जो है वो हो रखा है ऑलरेडी। ये जो होगा सेकेंड T20 मैच होगा, इसके बाद से जो एक मैच और रह जाएगा, ये आपको देखने मिलेगा थर्सडे को, यानी कि 5 जनवरी को। टाइमिंग जो होगा वो होगा 7 PM इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और ये आपको महाराष्ट्र में, यानी कि पुणे के जो ग्राउंड है वहाँ पे खेलने को आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो है खेला जाएगा। और ये पुणे का वही ग्राउंड है जहाँ पे जो है आपको देखने को मिला था कि चेन्नई का जो है वो होम ग्राउंड के रूप में जो है वो पुणे का जो है ग्राउंड ये खेला है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेज भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब किस तरह का सिनेरियो जो है यहाँ पे हो सकता है, उसको जो हम लोग एक बार डिटेल्स में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है एक बैटिंग पिच ग्राउंड है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो लास्ट मैचेज यहाँ का इंडिया का हुआ था, उसमें आप देखोगे कि वो भी जो है वो यहाँ पे श्रीलंका के साथ ही हुआ था, और उसमें जो है 201 रन जो है इस ग्राउंड पे बने थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्राउंड जो है बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बैटिंग सरफेस जो है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको रन बनते हुए यहाँ पे नज़र आता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, तो स्विमिंग कंडीशन इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा रहता है, और बैट्समैन को जो है काफ़ी अच्छा जो है वो आपको यहाँ पे मददगार मिलेगा बैटिंग करते हुए। जिस तरह से जो है मुंबई में मिलता है, उतना बेनिफिट जो है बैट्समैन को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे बैट्समैन को जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ये सिनेरियो जो है वो आपको याद रखना है, और इसी सिनेरियो के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो फास्ट बॉलर को जो है वो मदद मिल सकता है, साथ में स्पिनर को भी जो है मदद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे ग्राउंड जो है ड्राई होते जाता है, वैसे वैसे कंडीशन देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे बैटिंग के लिए फेवरेबल जो है वो बनते जाता है। इस सिनेरियो को जो है आपको भूलना नहीं है, और इस सिनेरियो को जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, तो लास्ट 3 मैचेज जो यहाँ पे हुए हैं, उनमें आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि लास्ट 3 मैचों में एक जो है फर्स्ट बैट जीता है, 2 जो है सेकेंड बैट जीता है, यानी कि सेकेंड बैट की जो भूमिका जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो डोमेस्टिक मैचों में भी जो है आपको यही कंडीशन दिखाई देगा। डोमेस्टिक मैचों में जो है आपको यहाँ के, आपने पुणे जो है सुपर राइजिंग पुणे जायंट्स जो है वो सुना होगा, वो भी के यहाँ का जो है उनका होम ग्राउंड था। इसके अलावा भी आप देखोगे तो जो चेन्नई था उसका भी जो है होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे IPL के भी जो है बहुत सारे मैचेज आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पुणे का, तो टेम्परेचर जो है वो 18 से 20 डिग्री के आसपास रहने वाला है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो, और बारिश का चांसेस जो है यहाँ पे 10% के आसपास, यानी कि बारिश जो है बहुत ही नाक बराबर होने वाला है, तो मैच जो है आपको पूरा देखने को मिल सकता है। इस बार हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टॉस जो है वो लंका के ज़्यादा चांसेज है कि टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जिस तरह का भी सीनरियो बन रहा है, तो आप देखोगे तो दोनों टीमों में जो है वो आपको कोई बदलाव होने वाला है नहीं, कि दोनों टीमों ने जो है लास्ट मैच काफ़ी अच्छे से जो है फाइट किया था, और दोनों टीमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लास्ट में खेली है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कोई बदलाव होने वाला है, तो कोई भी बदलाव जो है दोनों टीमें नहीं करेगी, कोशिश करेगी कि एटलीस्ट एक चांसेस जो है वो दोनों टीमों जो है अपने अपने प्लेयर को एक और दे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिला है कि मैच जो था वानखेड़े में बहुत ही अच्छे तरीके से रोमांचिक मैच हुआ, डिफेंड भी हुआ, और बहुत अच्छे से जो है सीनरी यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं किस किस आपको लेना है, तो इंडिया की तरफ से आपने देखा कि ईशान किशन का फॉर्म अच्छा था, हार्दिक पांड्या का फॉर्म अच्छा था, दीपक हुडा का फॉर्म अच्छा था, अक्षर पटेल का फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा चला है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे जो है सूर्य कुमार यादव को भी जो है पिक कर सकते हो, कि परफॉर्मेंस जो है अभी आ सकता है एक अच्छे फॉर्म में। इसके अलावा बात करते हैं बॉलिंग में, तो शिवम मावी को जो है लास्ट मैच में, हालांकि इंजरी जो है वो बहुत सारा हुआ था, देखना होगा कि ये जो है उस इंजरी को सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। इसके अलावा इन्होंने 4 विकेट जो है वो जरूर लिए थे। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे चहल का भी देखो, चहल को थोड़ा सा मार जरूर पड़ा था, तो ये सिनेरियो जो है अभी के लिए रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से आप देखोगे तो श्रीलंका की तरफ से जो है कुशल मेंडिस को जो है थोड़ा बहुत जो है वो मिला था। इसके अलावा जो है धनुष तनाका का जो है इंडिया में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखोगे तो वांगडू हसरंगा का परफॉर्मेंस भी जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि
महेश सिक्सेना को भी जो है बॉलिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था कसिन, और रंजीता को जो है थोड़ा सा मार जरूर पड़ा था, तो हो सकता है कि इनको चेंज भी कर दिया जाए, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिला ओवरऑल। अब देखो तो यहाँ पे बनुका राजपक्षा का परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी अच्छा था लास्ट के कुछ सीनरियों में। तो ये जो है अभी के लिए जो है आप इन प्लेयर्स को जो है पिक करके चल सकते हो, जो कि आपके लिए एक अच्छा से जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंडिया जो है रिसेंट 5 मैचों में से लास्ट मैच को इंक्लूड करके जो है 3 जीता है, 1 हारा है, 1 टाई हुआ है, और श्रीलंका जो है रिसेंट 5 मैचों में सिर्फ 1 जीता है और 4 जो है ये हारा है। इसके अलावा हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों टीमें जो है अभी तक 26 मैचेस खेल चुकी है लास्ट मैच को इंक्लूड करके, जिनमें से 18 इंडिया जीता है, 8 जो है वो श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा कि 8 जो है श्रीलंका जीता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तो डिमलम टीम को हम भी बात करेंगे, उनसे पहले अभी तक मुझसे नहीं जुड़े होते जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको मुझसे जुड़ जाना है, साथ में आप कॉल सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और बहुत ऐसे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं डिमलम टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो अब बात करते हैं हम लोग इंग्लैंड टीम का, तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के अगर मैं बात करता हूँ विकेट कीपर डिपार्टमेंट में किसको जो है आपको पिक करके चलना है, तो सबसे पहले देखोगे तो ईशान किशन का परफॉर्मेंस जो है अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिला, कुशल मेंडिस का परफॉर्मेंस भी जो है वो ठीक था, तो आप चाहो तो पिक कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बैटिंग में, तो बैटिंग में जो है वो आप यहाँ पे सनाका को ले सकते हो, सनाका का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला, हुड्डा का परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छा था। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो पांड्या को ले लिया, वांगड़ू हजरंगा को, इसका धनंजयदा सिल्वा को, अक्षर पटेल को ले सकते हो आप। इसके अलावा जो है करुणारत्ने को भी जो है चाहो तो पिक कर सकते हो। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है हमने यहाँ पे देखा कि जो अभी का परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से शिवम मावी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला, उरमान मलिक को भी जो है वो विकेट मिले थे तो आप ले सकते हो। इसके अलावा थिकसाना का भी जो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। इसके अलावा हम बैटिंग की बात कर लेते हैं तो बैटिंग में जो है आप यहाँ पे बनुका राजपक्षा को ले सकते हो या फिर सूर्य कुमार यादव को जो है पिक करके चल सकते हो। तो अभी तक का जिस तरह का सीनरियो है उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे चल सकते हो। हम लोग देखते रहते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन के हिसाब से जो है आप यहाँ पे पांड्या को बना के चल सकते हो, वाइस कैप्टन के तौर पर देखा जाए तो सनाका को बना के चल सकते हो या फिर ईशान किशन या फिर हुड्डा का जो है परफॉर्मेंस जो है वो अभी जिस तरह का दिखने को मिला तो अच्छा परफॉर्मेंस था, तो आप उसके हिसाब से जो यहाँ पे बना के चल सकते हो। यहाँ से देख सकते हो आप टीम पर भी, और इस टीम के साथ जो है आप अप टू 7 मेंबर जो है वो खेल सकते हो। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए या जीएल से रिलेटेड या बाकी लीग से रिलेटेड, तो आप जो है मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।